अस्सलाम वालेकुम माय इंस्टाग्राम फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। ये मेरी बेटी हरीम के ड्रेसेस हैं, 2-3 to 4 years के। ये मैंने कपड़ा लिया था, ये नेट का कपड़ा है, इस तरह से इसके ऊपर वर्क हुआ हुआ है। ये ख़ुद मैंने स्टिच करवाया। ये जो नीचे कपड़ा लगा हुआ है इस तरह का पर्पल, ये कपड़ा सिल्क का है, मोटी जो सिल्क होती है, कथान सिल्क शायद उस टाइप का कोई, तो इसमें शाइन बहुत ज़्यादा है दूसरे कपड़े की नस्बत। तो यही मैंने इधर लगवाया, पट्टी लगवाई है। ये इसकी पेटी है छोटी सी, और ये पेटी है इस तरह से, इसके ऊपर बॉक्स चुंटे लगी डाली हुई हैं, और इसके ऊपर ये बेल्ट बनाया है। बेल्ट बना हुआ बहुत प्यारा लगता है, ये काफ़ी लॉन्ग बेल्ट है। बैक साइड पर इसकी स्ट्रैप आती है। अच्छा, ये नेट है इस तरह से, ये नेट है, ठीक है। टेलर ने इसको क्या किया, यहाँ से इसकी वो जो इनर है वो इसका यहाँ से स्टार्ट किया। ये देखें, यहाँ बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट नहीं किया, यहाँ से ये देखें प्लेन नेट है, और यहाँ इसका इनर लगा हुआ है पर्पल कलर का। और ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है। ये बैक साइड पे भी मुझे लगता है ये सेम इसी तरह से है जी। ये देखें बैक साइड पे भी सेम है, यहाँ स्लीव नहीं लगी हुई, यहाँ इसका इनर नहीं है, और जो नीचे से यहाँ से स्टार्ट किया है, यानी कि ये चेस्ट वाली साइड से, यहाँ से ये देखें। इसका स्क्रीनशॉट इस तरह से बना लें, आपको इजीली इसकी समझ आ जाएगी, आप टेलर को दिखाएंगे तो। ये देखें, ठीक है, ये इसकी ओवरलुक है, ये आप इसकी पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है। ये बहुत प्यारा लग रहा था हरीम के पहना हुआ, हरीम ने मेहंदी पे वेयर किया था अपने पप्पो की, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरे पास पिक्चर्स होंगी तो मैं उसके साथ आपके साथ शेयर कर लूँगी। ये इसकी बैक साइड है, ये जो स्ट्रैप है ये इसकी बैक साइड पे आएगी, ये इस तरह से इसके ऊपर बॉक्स प्लेट लगे हुए हैं, ये बेल्ट यहाँ पे इस तरह से आएगा, और ये इसकी कट लगा के यहाँ इस पर लूप लगाई हुई है। कैमरा इसका कलर कैच नहीं कर रहा, बट कलर बहुत प्यारा है इसका जी। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये भी फ्रॉक है, मिराल और रहीम को दोनों को फ्रॉक्स का बहुत शौक है, तो मैं उनकी फ़्रॉक ही बनाती हूँ। ये इसकी सिंपल नेट है, ये इस तरह से, ये देखें ये बहुत प्यारी है, ब्लू कलर की नेट है, इसका डार्क रॉयल ब्लू कलर है, इसमें सेम नज़र नहीं आ रहा, लाइट की वजह से इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं। तो ये जो गोल्ड कलर का इसके ऊपर शिमर लगा हुआ है, ये देखें, ये इस तरह से कपड़ा था, ये भी टेलर ने सिलाई किया। ये देखें, ये इसकी पेटी है, पेटी ये कपड़ा मैंने अलग से लिया था, इसके साथ बहुत ज़बरदस्त लग रहा था ये, तो ये ऊपर रख के लगाया, ये अलग से नहीं है। ये इसके चुनट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं फोकस करती हूँ थोड़ा, ये देखें, ये इस तरह से इसके बॉक्स शेप में नहीं है, चुनटे शायद डाली हुई हैं इसको। इसके स्क्रीनशॉट बना ले, टेलर्स को पता होगा। ये स्लीवलेस बनाया फ्रॉक, पहनते भी प्रॉब्लम नहीं होती, ये मैं आपको बैक साइड बाद में दिखाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसका नीचे इनर है, इनर की जो सिल्क है वो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, और नीचे इसको फ्रिल देने के लिए ये नेट लगाई है, और नीचे इसका लॉन का कोई कपड़ा लगाया हुआ है कि ये चुभे ना नेट, नेट भी बहुत सॉफ्ट सी है जो बच्चों के लगाते हैं, और ये सिल्क बहुत प्यारी है, बहुत शाइनी है ये। ये रॉयल ब्लू कलर देखने में बहुत प्यारा है, बट पिक्चर में इतना अच्छा वीडियो में शो नहीं हो रहा। अच्छा, ये कपड़ा मैंने अलग से लिया था, ये देखें, ये कपड़ा बहुत प्यारा है, ये भी ना इसकी फ्रिल बनवाई थी, इसके पहले कट करके टेलर ने यहाँ पीको की हुई है, यहाँ इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ये 4 to 5 inches का पैच है, इसको पीको करके यहाँ चुनट्स डाले हुए, ये देखें चुनट्स डाल के इसके ऊपर, और फिर फ्रॉक के ऊपर लगाया है, ये इसके साथ बहुत प्यारा लग रहा है, वो बिल्कुल रेडीमेड वाली लुक आ रही है इसके साथ, ये देखें। और अब चलते हैं बैक साइड की तरफ, ये इसकी बैक साइड है, ये इसके ऊपर प्यारा सा, ये देखें वो बैक साइड पे भी ये सेम लगाया हुआ है, इसको यूं लगाया हुआ है, ठीक है, लाइट सा, तो ये इसकी बैक साइड पे भी फ्रिल लगाई है, और फ्रंट साइड पे भी सेम है, और ये यहाँ पे बो लगाई हुई है गोल्डन कलर की, ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखें, ये मोस्ट फेवरेट ड्रेस है मिराल का, ये बहुत प्यारा कलर है, पिंक कलर का, ये बच्चा पार्टी से लिया हुआ है, ये देखें बच्चा पार्टी के मोस्टली ड्रेसेस बहुत प्यारे होते हैं, बहुत उनका स्टफ़ भी अच्छा होता है, और प्राइजेस भी बहुत मुनासिब होती हैं, तो ये मिराल को गिफ्ट मिला था। इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मैं इसके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये इसके स्लीव हैं, स्लीव्स के आगे ये देखो चुनट्स डाली हुई हैं,
और आगे ये इसी का कपड़ा के 2 इंचेस का ना आगे ये लगाया हुआ है। ये इस तरह से इसके स्लीव्स हैं, ये मैं आपको ऊपर से भी दिखा देती हूँ, ये देखें। फिर नेक्स्ट चलते हैं गले की तरफ। गले पे ये देखें, ये इस तरह के प्यारे प्यारे पर्ल्स लगाए हुए हैं जिसकी वजह से ड्रेस बहुत ज़्यादा उठ रहा है, ये देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक तरह से। अब ये देखें, ये जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है शोल्डर से फ्रिल, बिल्कुल शर्ट स्ट्रेट है बट यहाँ से इसकी फ्रिल स्टार्ट हो रही है, उसकी वजह से इतनी एलिगेंट शर्ट लग रही है। मिराल ने ये 1 टाइम वेयर भी किया है, ये बहुत प्यारा लग रहा था उसके पहना हुआ। अभी विंटर स्टार्ट नहीं हुआ बट वो अभी भी ज़िद करती है कि मुझे ये पहनना है। ये देखें, ये वेलवेट स्टफ में है जो शर्ट है ना, यहाँ तक इसके चुनर्स डाली हुई हैं, काफ़ी हैवी चुनर्स हैं जिसकी वजह से बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ इसके वो सिलाई लगाई हुई है चुनर्स को। और ये देखें, ये आ गई यहाँ इतनी शर्ट है, इसके नीचे इस तरह से ये वाली, ये देखें ये वाली लगाई हुई है इलास्टिक, और ये इस तरह से बहुत प्यारी लग रही है, स्मोकी लुक इसको शायद बोलते हैं, ये इसकी स्मोकी लुक दी हुई है। और इसकी बैक साइड भी दिखा देती हूँ, ये इसकी बैक साइड है ठीक है, बैक साइड पे भी स्मोकी लुक दी हुई है। इसके स्लीव्स बहुत प्यारे हैं, पहना बहुत प्यारा लगता है। आप इस तरह का प्लेन कपड़ा लेके भी बनवा सकते हैं, मैं आपको इसलिए दिखा रही थी, इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है। और ये क्योंकि प्लेन शर्ट थी तो मुझे इसके साथ कुछ प्रिंटेड लेना था, तो मैंने इसका इस तरह से ट्राउज़र लिया है। ये भी मुझे सहीवाल मेलू ट्रेडर्स की से मिला था, ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये ना आप कहीं से भी ले सकते हैं लोकली शॉप से। तो ये शर्ट तो हमने बच्चा पार्टी से ली थी, तो ये मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखा देती हूँ, ये देखें ये सिल्क में है इसका ट्राउज़र। सर्दियों में शर्ट तो वेलवेट की है बट आप इसके नीचे पहना सकते हैं आप कुछ भी ना, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लगता है ये पहना हुआ। ये है मेरी डॉल का हरीम का ड्रेस, नेक्स्ट ड्रेस, ये ब्लैक कलर का, ब्लैक एंड ग्रे कम्बिनेशन है, ये भी इसको इसकी दादू ने गिफ्ट किया था। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, ये एम्ब्रॉयडरी ये मैंने स्टिच ही लिया है बट मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये इसके साथ शॉर्ट शर्ट और इसके साथ लहंगा है ये वाला, ये जो है ये इसके साथ लहंगा है। अगर आप चाहें तो आप ख़ुद भी बनवा सकते हैं, कलर कम्बिनेशन डिज़ाइनिंग ख़ुद भी करवा सकते हैं, ये रिजनेबल प्राइजेज में बन जाता है ईजीली। ये इसकी लहंगे की डिज़ाइनिंग है, ये देखें इस तरह से ये पहना हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया कि आप भी अगर इस तरह से अपने बच्चों का बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं इजीली। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। देखिए ये हरीम का बहुत प्यारा सा ड्रेस है, ये है तो स्टिच बट बहुत प्यारा लग रहा था। मेरा हरीम के साथ मिराल के साथ सेम ड्रेस कम्बिनेशन था इसका, पेस्टल कलर। और ये देखें ये इस तरह से इसकी स्मोसा लेस लगी हुई है साथ में इसके, या पहले ओवरलुक की पिक्चर बना लें फिर मैं आपको डिटेलिंग इसकी बता देती हूँ। ये समोसा लेस है, साथ ही इसको डोरी लगाई हुई है, फिर डोरी फिर समोसा लेस प्लेट्स के अंदर डाली हुई है, काफ़ी मेहनत से बना हुआ ड्रेस है। ये देखें ये समोसा लेस की, ये देखें ये बिल्कुल जो पेपर कॉटन है कपड़ा शायद वो है ये, फिर उसके नीचे ये इनर लगाया हुआ है और ये जो डाले हुए हैं इसके अंदर ना, ये देखें कितने सारे और बहुत नीट बना हुआ है ये जो समोसा लेस है ये इसके अंदर डाली हुई है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी लुक दे रही है। 3 इस तरह इस साइड पर और 3 ही इस साइड पे समोसा लेस की लाइन लगाई हुई हैं। और ये इसका गला बना हुआ है, गला भी इस तरह से है कि इसको कट नहीं लगाया बट यहाँ ये जो है ये डोरी लगा के इसके ऊपर 4 बटन लगाए हुए हैं और ये बना हुआ बहुत प्यारा है। ये देखें इसकी साइड पे पाइपिंग की हुई है जिसकी वजह से ये ना बहुत अच्छी लुक दे रहा है। ये मिराल ने हरीम ने पहन के एक दफ़ा निशान लगा दिए, बुरा लग रहा लगा हुआ। और ये इसके स्लीव्स हैं, ये देखें ये इसकी डोरी लगी है, 1 2 3, ये 3 डोरियाँ लगाई हुई हैं इसको ठीक है। और ये इसकी बैक साइड की डिज़ाइनिंग है। चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये है हरीम का नेक्स्ट ड्रेस, ये भी लिया हुआ है बच्चा पार्टी से, ये देखें। लेकिन ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस तरह के कपड़े इजीली घर पे भी बन सकते हैं। ये मैं आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करती हूँ, ये देखें ये जी ये नेट का कपड़ा है जिसके ऊपर इस तरह से प्रिंट भी और साथ में इसके ऊपर तारी सीक्वेंस वर्क भी लगा किया हुआ है काम। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, ये इसकी पेटी है, पेटी के नीचे येलो कलर की इनर लगाई हुई है
और ये प्यारी सी बो बना के लगाई हुई है, बहुत प्यारी सी क्यूट सी, ये लोग एलिगेंट सी है, कपड़े के साथ ही स्टिच की हुई है ये देखें इस तरह से। ठीक है, ये भी हरीम को गिफ्ट मिला था, ये इसकी बैक साइड है, और बैक साइड पे बड़ी प्यारी सी इस तरह से जिप लगाई हुई है, और साइड पे ये इसकी स्ट्रैप है येलो कलर की। तो इसकी जब मिराल वेयर करेगी तो, हरीम वेयर करेगी तो मैं इसके साथ इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये इसकी साइड नीचे इनर है, और ये पेपर कॉटन है, पेपर ये नेट लगाने का ये फ़ायदा होता है, ये इसकी फ्लेयर आ जाती है ना, और ये नीचे इसलिए लगाते हैं कि इसको ये चुभे ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।